छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। यहां वायरस की वजह से एक के बाद एक कई मवेशियों की मौत हो रही है, साथ ही पशुपालकों में भी लंपी वायरस को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि दिनों दिन मवेशी खत्म होते जा रहे हैं। उप संचालक का पशु चिकित्सा डॉक्टर डी के सिहारे ने कहा है कि इसमें डरने की विशेष बात नहीं है, लेकिन विभाग ने स्वास्थ्य पशुओं के ऊपर दवाई का छिड़काव किया है। सूचना मिलते ही बीमार पशुओं का भी इलाज किया जा रहा है। वहां हमारी टीम लंपी वायरस को लेकर लगातार टीकाकरण कर रही है। जिला में ये लंपी वायरस की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा लगातार गांव-गांव जाकर किसानों को समझाइश और गोठानों में दवाई का छिड़काव एवं बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है। और अभी तक के हमारे विभाग द्वारा 1,26,425 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। यह जो बीमारी है एलएमडी बोलते हैं, एलएसडी, और यह जो है नवरात्रि के जस्ट बाद से शुरुआत हुआ है। कृषकों के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा सूचना था, हम लोगों को मिला, हम लोगों ने सूचना पशु विभाग को दिए। इस सब पशु विभाग अज्ञात में लेते हुए उसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी टीम सतत अपना निगरानी कर रहे हैं और टीकाकरण भी किए हैं। साथ ही साथ हमारे गांव के लोगों की आस्था बनी हुई है।